क्या आप जानते हैं यूपीएससी की परीक्षा में सफलता कितनी कठिन है? आज हम बात करेंगे सोफिया की, जिन्होंने न सिर्फ यूपीएससी की बार बार चुनौतियों का सामना किया बल्कि उन्हें पार भी किया। सोफिया 28 साल की एक युवा, जिसका जन्म और पालन पोषण सागर की छोटी सी शुक्रवारी में हुआ, एक रिटायर्ड प्रिंसिपल की बेटी जिसने सेंट जोसेफ स्कूल में अपनी शिक्षा ग्रहण की और फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री हासिल की, पर इंजीनियरिंग के बाद उनकी जिज्ञासा ने उन्हें यूपीएससी की ओर मोड़ दिया। साल 2018 में पहली बार प्रीलिम्स में महज 2 नंबर से पीछे रह गई। इसके बाद दिल्ली में 1 साल की कोचिंग लेने के बाद बार बार असफलता लगी। पर क्या आपने सुना है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती? सोफिया ने ये साबित कर दिखाया। 5 बार की नाकामियों के बाद 6ठी बार में सोफिया ने न सिर्फ प्रीलिम्स पास किया बल्कि मेंस और इंटरव्यू में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मेरा नाम सोफिया सिद्दीकी है, मेरी ऑल इंडिया रैंक 758 आई है, ये मेरा 6th अटेम्प्ट था और पहला मेंस, पहला इंटरव्यू। तो कैसे तैयारी की? जी मैंने इसके लिए प्रीलिम्स के लिए सेल्फ स्टडी किया, मेंस के लिए ऑप्शनल के लिए मैंने कोचिंग की थी और टेस्ट सीरीज लगाई थी, और इंटरव्यू के लिए मैंने मॉक इंटरव्यूज अटेंड किए थे गाइडेंस के लिए। तो और दूसरे जो बच्चे हैं वो अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या सफलता का मार्ग बताएंगे ताकि वो जल्दी से इसको कर सके? जी दूसरे बच्चों के लिए मैं यही कहूँगी कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए और स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों साथ में करिए, और सिलेबस अच्छे से पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से देखिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक रिसोर्स पढ़िए, तो वो जो फॉर्मूला कहते हैं कि मिनिमम सोर्स मैक्सिमम रिवीजन, वो मैं कहूँगी कि ये को क्रैक करने का मंत्र है। सोफिया का कहना है कि असफलता तब तक अस्थाई है जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ते। उनकी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि निरंतर प्रयास करने से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि सफलता दूर है, याद रखिए सोफिया की ये कहानी। लोकल 18 सागर से अनुज गौतम की रिपोर्ट।